एक दिन मेरी माँ को बाबा का टिफिन बनाने में थोड़ा लेट हो गया। बाबा थोड़ा गुस्सा होने लगे तो माँ ने भी चैलेंज लिया कि सिर्फ आधे घंटे में मैं पूरा टिफिन बना के दूंगी और टिफिन इतना टेस्टी होगा कि शाम को आकर आपको थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। बस वही टिफिन की रेसिपी रिक्रिएट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना विद नूतन दत्त। इस पूरे टिफिन में सीक्वेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने लिया है अरहर की दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल और मूंग दाल। सारी दालों को मिलाकर अच्छे से धो लेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, एक प्याज उसे भी छोटे टुकड़ों में काटकर, पानी डाल देते हैं करीब 3 गुना, हल्दी और नमक, दालचीनी। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे प्रेशर कुक होने के लिए चढ़ा देते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हम कम से कम 4 विसल तक कुक करेंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अदरक लहसुन ले रही हूँ, इसे पेस्ट बनाकर रख लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च भी साथ ही साथ काट ले रहे हैं, इसे हम दाल को तड़का लगाने में यूज़ करेंगे। और 2 टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बनाकर रेडी करके रख ले रहे हैं। सब्जी हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की, तो इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं और इसे छील लिया है और इसे इस तरीके से मैं टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहें तो लंबे टुकड़े भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से काटने से ये जल्दी कुक हो जाएगी इसलिए ऐसा ही काट रही हूँ। और शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से डाइस कर ले रहे हैं। अब इस नॉर्मल सी आलू शिमला मिर्च की सब्जी को खास बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1 लाल मिर्च साबुत, थोड़ा सा जीरा। इन सारी चीज़ों को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, करके इसे निकाल कर रख लेते हैं। चलिए पैन में अब तेल डाल दे रहे हैं और इसमें आलू को डाल दे रहे हैं। आलू को हमें इसमें स्टर फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आलू में थोड़ा सा कलर आ जाएगा और आलू करीब 60-70% तक कुक हो जाएगा, तब हम आलू को निकाल कर रख लेंगे। अब इसी पैन में जो बचा हुआ तेल है इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसे। सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए तब एक प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा काट कर हम डाल देंगे। तो प्याज जब तक थोड़ा भून रहा है तो जो खड़े मसाले हमने भून कर रखे थे उसे तब तक थोड़ा हम ग्राउंड कर लेते हैं। इसे हमें दरदरा सा ही पीसना है इसलिए मिक्सी में नहीं डाला है। प्याज हमारे भून चुके हैं, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनना है। तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल दे रहे हैं और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल देते हैं, इससे टमाटर बहुत अच्छे से पक भी जाएंगे और गल भी जाएंगे। और इन मसालों को अब थोड़ा सा हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। अब सब्जी के लिए जो बाकी मसाले हैं डाल देते हैं बहुत थोड़ी सी हल्दी, और जो हमने मसाला अभी दरदरा सा पीस कर रखा था उसमें से 1/2 से ज़्यादा हम यहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे जिससे हम बाद में डालेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दे रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और सारे मसाले अब अच्छे से पक चुके हैं और एकदम ये ड्राई भी हो चुका है। अब इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देते हैं। 1-2 बार चलाने के बाद जो आलू हमने भून कर रखा था उसे भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ना खुशबू और अच्छी आती है। और मेरी माँ इस सब्जी में थोड़ा सा कॉर्न डालती थी। कॉर्न डालने से ये ना दिखने में बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये शिमला मिर्च की सब्जी आप सिर्फ कॉर्न शिमला मिर्च करके भी बना सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार चला लेते हैं और अब थोड़ा सा पानी डालकर, मतलब 2-3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं, इसे हम ढक देते हैं ताकि 2-3 मिनट ही अच्छे से और कुक हो जाए। 2-3 मिनट बाद खोलकर देखते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती कैंची से काट कर डालने से बहुत जल्दी कट भी जाती है और बहुत बारीक भी कटती है। तो सब्जी हो गई तैयार, इसे उतार कर रख लेते हैं। दाल भी इस बीच पक चुकी है, दाल का भी तड़का लगा लेते हैं। पैन में लिया है घी, इसमें डालनी है थोड़ी सी हींग, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा। सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए तो इसे हम दाल के ऊपर डाल देंगे। दाल में 1 उबाल आने देंगे और ऊपर से हम डालेंगे खूब सारी हरी धनिया की पत्ती। तो दाल भी हो गई तैयार। तो देखा ना आपने कितनी जल्दी हमारी सब्जी भी बन गई, दाल भी बन गया। इस बीच आटा हमारा लग ही चुका था, तो फटाफट से बेलते हैं रोटियां और इसे हम सेक लेते हैं। तो पूरा लंच बॉक्स हमारा तैयार हो गया सिर्फ 1/2 घंटे में। फटाफट चलिए टिफिन को भर भी लेते हैं। और ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी इतनी टेस्टी होती है कि इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, रोटी या पराठा के साथ दे सकते हैं। सैंडविच बना रहे हो तो उसमें आप इसे फिलिंग की तरह भर सकते हैं, या फिर आप इसे रोल भी बनाकर बच्चों के लिए टिफिन में दे सकते हैं। और बाबा के टिफिन में माँ हमेशा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रखती थी, तो साथ ही एक फ्रूट भी रखा है और थोड़ा सा मखाना रखती थी ताकि बीच में जब थोड़ा सा ब्रेक मिले तो बाबा इसे खा सके। और ये रेसिपी एकदम मस्ट ट्राई है। और ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी कभी भी आप जब बहुत जल्दी में हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बनती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है।